डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर अपनी रिलीज के बाद से अभी तक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस दुनिया भर में कर लिया है। ऐसे में राजामौली ने बुधवार शाम फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी। इस पार्टी में फिल्म के स्टार कास्ट से लेकर बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स तक ने शिरकत की। हालांकि फिल्म की हीरोइन आलिया भट्ट कहीं नजर नहीं आई। इस सक्सेस पार्टी में रामचरण, जूनियर एनटीआर, एसएस राजामौली शामिल हुए थे। उनके अलावा आमिर खान, मकरंद देशपांडे, करण जौहर, अयान मुखर्जी, जॉनी लीवर, राखी सावंत के साथ साथ कई अन्य सेलेब्स भी पार्टी में नजर आए। लेकिन एक बात जो किसी को हजम नहीं हुई वो थी आलिया भट्ट की गैर मौजूदगी। आलिया भट्ट को लेकर पहले भी खबरें आई थी कि वो राजामौली से नाराज हैं। कहा जा रहा था कि आलिया और आरआरआर के डायरेक्टर राजामौली के बीच कुछ अनबन चल रही है। इसके चलते आलिया ने फिल्म आरआरआर से जुड़े पोस्ट्स को डिलीट कर दिया है। साथ ही राजामौली को अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड लिस्ट से भी हटा दिया है। हालांकि बाद में आलिया ने इन खबरों को खारिज कर सफाई दी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके बारे में बातें यूं ना बनाई जाएं। साथ ही आलिया ने ये साफ कर दिया कि उनके और राजामौली के बीच कोई अनबन नहीं। उन्होंने कहा था कि राजामौली और आरआरआर की टीम के साथ काम करना उनका सौभाग्य था। उन्हें इस फिल्म में काम करते हुए बिताए हर एक पल से प्यार है। वैसे आलिया भट्ट की शादी की खबरें भी काफी दिनों से आ रही हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि शादी की तैयारियों के चलते वो काफी बिजी हैं और ये भी एक वजह आरआरआर की सक्सेस पार्टी में उनके ना पहुंचने की बताई जा रही है। खैर वजह जो भी हो, लेकिन सवाल उठने लाजमी हैं क्योंकि आलिया ने पहले तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म से जुड़ी सारी पोस्ट डिलीट की और राजामौली को अनफ्रेंड कर दिया। जाहिर सी बात है लोग पूछ रहे हैं कि आलिया इतनी नाराज हैं या वाकई वो अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।